नमस्कार दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर कोई दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं कि कहीं मेरी दुकान चलेगी या फिर नहीं चलेगी, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों इस वजह से हम दुकान खोलते ही नहीं या फिर कोई व्यवसाय करते ही नहीं डूबने की वजह से। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे व्यवसाय या फिर कुछ ऐसे दुकानों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप गाँव में कर सकते हैं और इनमें लागत कम है और दोस्तों इनमें नुकसान होने की संभावनाएँ कम हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों ये काम थोड़े मेहनत वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको इनको सीखना पड़ेगा, तभी आप यह कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके बात करते हैं। दोस्तों पहला जो दुकान का आइडिया है वह है इलेक्ट्रॉनिक एंड रिपेयरिंग शॉप। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक शॉप की जरूरत हर जगह होती है, गांव हो या फिर शहर हो। गांव में अधिकतर कम दुकान होते हैं, गांव में कम दुकान होने की वजह से लोग शहर में चले जाते हैं, तो गांव का पैसा जो है शहर में जाने लगा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप गांव में इलेक्ट्रॉनिक शॉप एक अच्छी सी शॉप खोलें तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर रिपेयरिंग का काम पहले सीख लीजिए। आप रिपेयरिंग का काम करेंगे तो रिपेयरिंग के जरिए ग्राहक आपके पास आएंगे और बहुत सारे जो आप अपने दुकान में सामान रखेंगे वो भी सामान बिकेंगे और दोस्तों आप रिपेयरिंग का काम करके तो पैसा कमाएंगे ही। आपका दोस्तों यहाँ पर मुख्य जो धंधा है वो रिपेयरिंग ही रहेगा। आप रिपेयरिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जैसे पंखा कूलर ये सब खराब होते रहते हैं, तो ऐसे में इनमें बहुत ही अच्छी मार्जिन होती है, बहुत ही अच्छी कमाई होती है। क्योंकि दोस्तों जो रिपेयरिंग वाले काम होते हैं उनमें मेहनत थोड़ा सा होता है लेकिन कमाई ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें लागत भी कम लगता है। तो रिपेयरिंग वाले अगर आप काम करेंगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आप एक छोटी सी जो है दुकान खोल लीजिए जहाँ पर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है सामग्री रखेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप रिपेयरिंग का काम करेंगे जैसे पंखे कूलर और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ेगी और वहां पे आप जो है इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान होंगे आप वहां पे रखेंगे और जो है रिपेयरिंग का भी आप वहां पे काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले रिपेयरिंग सीखना पड़ेगा, आपको कुछ दिन लगेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, आप कुछ दिन में ही इसे सीख सकते हैं। नंबर दो, किताब दुकान और फोटोकॉपी की दुकान। दोस्तों किताब दुकान और फोटोकॉपी की दुकान साथ में शुरू की जा सकती है और इससे काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि दोस्तों गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह स्कूल होते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो आप एक अच्छी सी जगह का चयन करें जहाँ पर किताब दुकान ना हो, या फिर एकाध हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ भी शुरू कर सकते हैं। तो आप जो है वहाँ पे फोटोकॉपी करने का काम और साथ ही साथ दोस्तों आप जो है बुक शॉप यानी कि किताब दुकान शुरू कर सकते हैं। इसको आप कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक अच्छी जगह का चयन करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग आते जाते हैं और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं वहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में मौजूद हैं, तो वहाँ पर आपकी किताब दुकान चलेगी, आपकी फोटोकॉपी की दुकान चलेगी ही चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है कि लोकेशन यानी कि जगह बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है किताब दुकान शुरू करें, नहीं तो ना करें। नंबर तीन, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। देखिए दोस्तों मोबाइल तो सब लोग ऑनलाइन मंगाने लगे हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट से लोग अधिकतर लोग मोबाइल मंगाते हैं अगर उनको नया मोबाइल फ़ोन मंगवाना होता है तो। लेकिन दोस्तों मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ ख़राब होते रहते हैं, कभी स्क्रीन गार्ड, कभी कवर, कभी कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता है, कभी मोबाइल गिर जाता है तो जो कॉम्बो वगैरह चेंज करने होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हज़ारों का खर्चा लगता है इसमें। लेकिन जो इनकी सामग्री होती है मोबाइल में रिपेयरिंग वाली, वो बहुत ही सस्ती आती है, तो ऐसे में बहुत ही मोटी कमाई होती है रिपेयरिंग करने वाले की। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप शुरू करते हैं तो इससे आप यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप इसे गाँव में शुरू करें या फिर शहर में शुरू करें। और मोबाइल में दोस्तों बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, कभी रिचार्ज करवाना होता है तो कभी कुछ ना कुछ ख़राब होता ही रहता है, कभी चार्जर खराब हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। और दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि लागत यहाँ पर कम है। रिपेयरिंग का अगर काम शुरू करते हैं तो आप इसे कम पैसों में शुरू कर सकते हैं, आप एक छोटी सी दुकान या फिर इसे आप घर में भी शुरू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो और भी सामग्री होती है मोबाइल की उन्हें आप बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आएगी वैसे वैसे आप जो है अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों आप इसको कहीं भी सीख सकते हैं, किसी दुकान में जाकर, या फिर स्पेशल आप इसका जो है कोर्स भी कर सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। नंबर चार, बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों बाइक में कुछ ना कुछ ख़राब होते रहते हैं, स्कूटी में कुछ ना कुछ ख़राब होती ही रहती है, तो ऐसे में दोस्तों उनको रिपेयर करने के लिए या फिर टायर ट्यूब खराब होते रहते हैं
या फिर कभी कभी पंचर वगैरह हो जाते हैं जिनको हमें बनवाना होता है, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, या फिर हवा कम हो जाता है बाइक वगैरह में। तो ऐसे इन सब चीज़ों का काम कहाँ होता है, बाइक रिपेयरिंग। तो दोस्तों अगर बाइक में कुछ ख़राब होती है तो उसे रिपेयर करवाना होता है, तो ऐसे में हमें दुकान में जाना पड़ता है जहाँ पर रिपेयरिंग का काम होता है। तो दोस्तों अगर आप रिपेयरिंग का काम शुरू करें आप गाँव में, तो इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपके गाँव में मेन रोड हो तो आप वहाँ पर इसे शुरू कीजिए, तो और भी ज़्यादा कमाई होगी, क्योंकि मेन रोड में आने जाने वाले लोग भी आपके पास आएंगे और गांव वाले भी आपके पास आएंगे, तो ऐसे में आपकी कमाई डबल होने लगेगी। तो दोस्तों अगर आप सुरक्षित गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप कुछ जो है सुरक्षित तरीके से कम पैसों में कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो ये 3-4 ऑप्शन है जो कि मैंने आपको भी बताया, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो गया, बुक शॉप हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग का काम हो गया, ये सब काम जो होते हैं इनको कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इसको अच्छी तरह से करना होता है, यानी कि हमें पहले इसे सीखना होता है। नंबर 5, जूते चप्पल की दुकान। दोस्तों गांव में जूते चप्पल की डिमांड हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी, तो ऐसे में दोस्तों आप चप्पल जूते की दुकान भी शुरू कर सकते हैं, इससे भी आप काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों मार्केट के हिसाब से हर चीज़ होती है। अब दोस्तों जैसे गांव में अगर आप स्विमिंग पूल या फिर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे तो गांव में वह तो चलेगा ही नहीं, लेकिन दोस्तों अगर आप छोटी मोटी चीज़ें शुरू करते हैं जो कि वहाँ की डिमांड है, जो कि रोज़ की उपयोग करने वाली चीज़ें हैं, वो चलेंगी, तो उनमें एक चप्पल जूते की दुकान भी हो सकती है और एक कपड़े की दुकान भी हो सकती है, तो इनको भी शुरू करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कपड़े की दुकान में इसलिए नहीं यहाँ पर अभी इसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें लागत थोड़ा सा ज़्यादा होता है और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में यहाँ पर मैं जूते चप्पल की दुकान भी शुरू करने के बारे में आप सोच सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।